हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का शक्ति एंड नीरज ब्लॉग्स पे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और घर का काम, क्लीनिंग का काम लगभग हो गया है और बर्तन तो भाई मेरे दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही होती है। देखिए दरवाजे पर खुद गायें अपने देखिए धक्का दे देती है। हम गेट को ओपन रखते हैं, बीच वाला गेट जो ओपन रहता है, और इसको ये धक से ऐसे मारती है और दरवाजे की आवाज़ से हमको पता चल जाता है कि गौ माता दरवाजे पे आ चुकी है। और देखिए मैं दे रही हूँ गाय को रोटी, और एक और गाय है वो भी आएगी, उसको भी दूंगी। और देखिए दिन बहुत ही अच्छा जाता है जब गाय देखिए गौ माता अपने आप ही दरबार पर आती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, और देखिए दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो वही करते हैं अपने दिन की शुरुआत, गाय को दीजिए रोटी और चलिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और जिसने अब तक ब्लॉग मैं आप पहली बार वॉच कर रहे हैं शक्ति एंड ब्लॉग्स को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो भैया देखिए बिटिया रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए, और इसके पापा निकाल रहे हैं बाइक। और ये देखिए आज इसने पहनी है वाइट ड्रेस, आज क्योंकि वेडनेसडे है और वेडनेसडे को इसकी वाइट ड्रेस पहनी जाती है। तो देखिए और अब ये जा रही है और इसका एग्ज़ाम भी है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। और ये देखिए भाई ये बंदर इतना आतंक मचा रखा है, देखिए कितने आराम से बैठा है। और मैं लेके आती हूँ अब डंडा, देखिए मेरे ऐसे खरुकाने से तो ये भागा नहीं, और लेकिन अब डंडा लेके आती हूँ, हो सकता है उससे भाग जाए। कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि पापा मम्मी तो गए हैं मॉर्निंग वॉक पे और वो गए हैं अविका को छोड़ने के लिए। अब ये देखिए मैं डंडा लेके आई हूँ। सब क्या नहीं तो भाई अब टाइम हो गया है लंच का। ये बनाए हैं आलू मटर, मम्मी पापा ने खा लिया है और हम अभी का स्कूल जा चुके हैं। अब हम दोनों रह गए, नवीन स्कूल जा चुका है, गाजर का रायता है, रोटी ऊपर जा चुकी है, छत पे चलिए एंजॉय करते हैं लंच का। पड़े हैं अभी वो उन्हें मांजूंगी मैं, तब तक मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। तो भैया फिर आ चुके हैं, देखिए वो भगाए तो दो बंदर और आ गए हैं, और देखिए क्या खाने लग रहे हैं। ये उतरा भाई तो भाई अब यह है दोपहर का टाइम, और देखिए खाट भरने वाला आया हुआ था गली में, तो पापा जी लेके आए थे, पापा जी को मिल गया था, तो ये पापा जी ले आए और खाट भरने वाला खाट भरने लग रहा है। इधर मम्मी जी खड़ी हैं और मैं इधर करने लग रही हूँ पिसना, और चलिए करते हैं इंजॉय। अभी तो एक खाट भरने स्टार्ट की है इसने, एक और है और एक खटोला है, ये तीनों हम भरवाने वाले हैं आज। तो भाई ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए और इंजॉय कीजिए। तो भाई दोनों खाटे बिल्कुल देखिए बहुत अच्छे तरीके से, अपने अपने तरीके होते हैं। देखिए इसने एक लगभग एक से डेढ़ एक घंटे में तीनों दोनों खाट और एक खटोला भर दिया था, और मेरा भी पिसना हो चुका है सफाई वगैरह करने के बाद। अब मैं जाऊंगी चाय बनाने, सभी के लिए चाय बनाऊंगी, और भाई साथ में चाउमीन भी इंजॉय करेंगे, इसके पापा जी चाउमीन लेके आए थे। तो भी अब आइए आप भी इंजॉय कीजिए, जिस जिसको चाउमीन खाना पसंद है, मेरे को बिना सॉस की पसंद है, तो मैंने भी डाल लिया। देखिए ये कविता की एक मेरी, ये लोग कोई भी पसंद नहीं करते, बस थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार इन लोगों ने खा ली थी, पापा जी ने मम्मी जी ने बहुत थोड़ी खाई थी, ज़्यादा खाने वाले तो बस अविका और मैं ही हैं। और देखिए अविका ने अपने में सॉस भी डाला है,
सॉस का पैकेट लेके आई थी फ्रिज में से निकाल के। और चलिए हम खाते हैं चाउमीन, अपना चाय के साथ खाते करते हैं इंजॉय। तो भाई जिस जिसको चाउमीन खानी पसंद है लीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए। और देखिए ऐसा करते करते सारा दिन निकल जाता है। और भाई ट्यूशन पढ़ाने के बाद देखिए ऑब्वियसली किचन में आना होता है। और मैंने दोपहर में जब मैंने चाय बनाई थी तभी मैंने राजमा भिगो दी थी, और राजमा में मैंने 2 आलू डाल दिए थे। लगभग 300 ग्राम मेरी राजमा थी, उसमें मैंने 2 आलू छील कर और बॉइल कर लिए थे। और उसके बाद देखिए मैं चौक प्याज कर रही हूँ अपना, और भाई प्याज भुनने लग रही है। इसके बाद राजमा मसाला डाल दिया है, और ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। और इसके बाद टमाटर डाल के सिंपल सी सब्जी है, और आलू राजमा की सब्जी आज हम बनाइए। चलिए करते हैं अपना डिनर रेडी। और भाई ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वही खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि ज़बरदस्त वाली खुशबू आ रही है। और देखिए आलू राजमा तो रेडी हो गया है, बस चावल बनाऊंगी, थोड़े ही कम बनाऊंगी, 1 गिलास चावल बनाऊंगी, बाकी रोटियां बनाऊंगी क्योंकि मम्मी पापा चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि सर्दी के कारण नहीं खाते हैं। और मैं थोड़े ही बनाऊँगी, तो 1 गिलास से थोड़े से कम बना लूँगी। और इसके पापा जी खा लेते हैं अभी, अगर मैं खा लूँगी नवीन खा लेता है। ये देखिए मेरी राजमा बिल्कुल रेडी हो गई है, और मैंने आपको सर्व करके अपनी राजमा का लुक देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप भी आलू राजमा इंजॉय कीजिए। मैं आलू इसलिए डालती हूँ क्योंकि ना जो ग्रेवी होती है ना सब्जी की, वो बहुत ही अच्छी बन जाती है, नहीं तो राजमा में थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा हो जाता है ना, तो ज़्यादा पतली लगने लग जाती है। तो भाई आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो भाई मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।